अजमेर जिले में नसीराबाद के निकट देरांठू गांव में पिछले दिनों हुए पिंटू रावत हत्याकांड के चौथे आरोपी हनुमान की सदर थाना पुलिस द्वारा अब तक गिरफ्तारी नहीं किए जाने के विरोध में रावत महासभा की ओर से नसीराबाद बंद का आह्वान किया गया है। ज्यादातर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर समर्थन किया। वहीं दुकानदार बंद का सदुपयोग कर दीपावली पर्व को देखते हुए साफ सफाई में मशगूल नजर आए। इधर सुबह रावत महासभा के पदाधिकारी और नवयुवक LIC मैदान पर एकत्रित हुए और बंद को दिए समर्थन के प्रति आभार जताया। इस मौके पर रावत महासभा के प्रदेशाध्यक्ष शैतान सिंह रावत, हिंदू क्रांति सेना के जिलाध्यक्ष जसवीर सिंह रावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष भवानी खेड़ा, हीरा सिंह मौजूद रहे। बता दें कि पिंटू रावत के साथ बेरहमी से मारपीट के बाद उसे गंभीर हालत में रास्ते पर पटक दिया गया था। बाद में हत्या के आरोप में चार लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया गया। पुलिस अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। से पिंटू हत्याकांड को लेकर राव समाज में आक्रोश था, उसको लेकर हमारे आदरणीय श्रोमणी महासभा ने निवेदन किया था कि 15 अक्टूबर को नसीराबाद बंद रखा जाएगा और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किया जाएगा। जो आज 15 अक्टूबर को संपूर्ण नसीराबाद में बंद करके व्यापारियों ने हमारा जो साथ सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद, और आगे भी हमारा समाज इसके लिए आंदोलित रहेगा जब तक पिंटू के हत्यारों को न्याय नहीं मिले और वो सलाखों के पीछे तक नहीं पहुंचे। जैसा कि आज दिनांक 15/10/2022 को नसीराबाद शहर को बंद रखने का आह्वान किया था, ये आह्वान पिंटू रावत के हत्याकांड के चौथे आरोपी को जो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी उसके विरोध में पिंटू रावत को न्याय दिलाने के लिए किया था। इसमें महासभा रावत महासभा का तत्वाधान था, लेकिन सर्व समाज का सहयोग व यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के सभी व्यापार मंडलों का स्वैच्छिक समर्थन हमें हासिल हुआ और सबने स्वेच्छा से बंद की घोषणा की थी। आज जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ का नसीराबाद का शहर पूर्णतया बंद है, इसलिए हम इनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं पूरे नसीराबाद की जनता व यहाँ के सभी व्यापार मंडलों को कि जिस तरीके से इन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर बंद में स्वैच्छिक समर्थन दिया, तो हम इनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और साथ में ये वादा करते हैं कि जब भी इनको किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ेगी यहाँ की जनता को, यहाँ के मीडिया को, यहाँ के व्यापार मंडलों को, तो रावत समाज हमेशा 24 घंटे इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनका सहयोग करेगी। साथ ही में हमने पिंटू रावत हत्याकांड का जो यहाँ के पुलिस दबाव में कार्य कर रही थी, तो इसके संदर्भ में हम कल IG साहब से मिले। IG साहब ने महासभा की प्रार्थना पत्र पर तुरंत जांच अन्य जिले में उच्च अधिकारी को ट्रांसफर कर दी। अब हमें उम्मीद है कि वहां से हमें न्याय मिल जाएगा और चौथा हत्यारा जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे होगा।